सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज़, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक ऐसा वायरलेस माइक ढूंढ रहे हैं जो आपका मोबाइल में भी काम आएगा, DSLR में भी काम आएगा और कोई भी एक एक्शन कैमरा में भी काम आएगा। सो गाइज़, मार्केट में बहुत सारे वायरलेस माइक है लेकिन उसका कुछ स्पेशल यूज़ है। कुछ माइक्स ऐसे हैं, वायरलेस माइक्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ISO में काम करेगा, इसका मतलब जो iPhones वगैरह में काम करेगा। कुछ सिर्फ DSLR के लिए काम करेगा और कुछ बहुत सारे चीप क्वालिटी का जो 700-800 में भी जो कुछ वायरलेस ब्लूटूथ होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको एक वायरलेस माइक जैसा यूज़ करते हैं लेकिन मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। सो मैं गाइज बहुत सर्च करने के बाद एक ऐसे सॉल्यूशन निकला जो कि आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो और आप DSLR में भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारे जो एक्शन कैमरा में होता है जैसे कि GoPro वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो। गाइज, ये कौन सा माइक है, इसका प्राइस कितना है और कहाँ से लिया, मैं पूरा का पूरा सब कुछ डिटेल्स आपको वीडियो के माध्यम में, वीडियो के बीच में आपको दिखाऊंगा। वीडियो को फर्स्ट टू एंड तक देखें ताकि अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसे कुछ माइक जो कि आपका बजट में भी आए और आप इसको मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हो, कैमरा में भी और फोन में भी यूज़ कर सकते हो, तो गाइज डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। गाइज, मेरे चैनल में आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल कॉन्टेंट मिलता रहेगा। सो गाइज, ये जो प्रोडक्ट का नाम है, मैं आपको अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट का नाम, उसका जो प्रोडक्ट का मॉडल क्या है, सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं और डायरेक्टली मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो चलिए अभी डायरेक्टली मैं आपको ये बॉक्स जो है ओपन करके दिखाऊंगा और इसके अंदर क्या क्या है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। इसका जो पैकिंग है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने और कुछ भी आगे भी प्रोडक्ट मंगवाया था लेकिन इसका जो पैकिंग का जो क्वालिटी बहुत अच्छा था। आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा वाला बॉक्स है, इसको निकालेंगे अभी हम। ये देखिए, तो इसके अंदर कुछ ऐसा टाइप का आपका जो बॉक्स आ रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिटेल्स दिखने को मिल जाएगा। रिकॉर्ड क्रिएट इन्फ्लुएंस, ओके, एक्सट्रीम अकोस्टिक का जो है वायरलेस यूनिवर्सल टाई क्लिप माइक्रोफोन और जो मॉडल है इसका XAWL303। ओके, तो अभी हम इसको फिलहाल इसका जो बॉक्स है साइड में रख देंगे और इसको हम अभी ओपन करेंगे। तो मैं अभी इसके ऊपर ही रख के इसको ओपन करूँगा। मुझे लगता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और ये जो बॉक्स है इसको नीचे रख देंगे। सो गाइज, इसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्लैक बॉक्स है जो कि बहुत ही यू नो लाइक प्रीमियम क्वालिटी का है। जब आप लोगे तो आपका जब हाथ में आएगा तो आपको फील होगा ये बहुत ही एक अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का है और आप इसको क्लोज लुक देना चाहूँगा। आप देख सकते हो, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हम इसको डाउन में रख देंगे। तो ये ओपन होने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसे नज़र में आ जाएगा, जो बॉक्स है आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो मैं इसको अभी क्लोज लुक दूंगा क्या क्या है इसके अंदर। आपको गाइस दो केबल आपको मिल जाता है, 3.5 mm का है और एक 2.5 mm का, दो है मिल जाता है, एक कैमरा के लिए है और एक माइक जो मोबाइल के लिए। सो गाइस, आपको यहाँ पे देख सकते हो दो प्लग जो है वहाँ पे तीन तीन लाइन जहाँ पे होगा वो एक्चुअली कैमरे के लिए है। ये कौन सा केबल कौन सा काम के लिए आएगा उसका पूरा का पूरा डिटेल्स वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद ये है मोबाइल के लिए,
और इसके बाद ये एक टाइप सी केबल भी मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी का जो क्लेम है, आप इसको 3 to 4 आवर्स अगर इसको चार्ज करेंगे तो ये 3-4 आवर्स का जो काम आपको निकल देगा, काम में यूज आ जाएगा। अगर आपके पास टाइप सी का जो केबल नहीं है, मतलब जो हेड नहीं है, अडाप्टर जो नहीं है, आपको ख़रीदना। सो गाइस, इसके बाद आपको ऐसा कुछ दो दिखने को मिल जाता है। ये देखिए, ऐसा कुछ दो है, एक जो रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। वारंटी कार्ड भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे उनका जो बार कोड दिया हुआ है, उसको कॉन्टैक्ट करके आप भी इसका जो है वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हम कैमरे के साथ सेट करके बात करते हैं। सो गाइज, आप देख पा रहे होंगे ऑलरेडी मैं जो वायरलेस माइक को है, एक्सट्रीम एकोस्टिक वायरलेस माइक को जो है मेरा कैनन 200D Mark II में कनेक्ट किया है, और मेरे पास ट्रांसमीटर है, वहाँ पे कैमरा में रिसीवर लगा हुआ है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो साउंड का क्लैरिटी कैसा आ रहा है, तो होपफुली अच्छा ही आ रहा होगा। तो जब मैं खुद वीडियो देखूंगा तभी मुझे पता चल जाएगा। तो चलिए अभी हम जाएंगे आउटडोर ऑन द रूफ, ओके, छत के ऊपर जाएंगे और इसका साउंड क्लैरिटी चेक करेंगे। सो गाइस, मैं आ गया छत के ऊपर माइक को रिव्यू करने के लिए। आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हैं वो कैनन 200D Mark II का इनबिल्ड ऑडियो है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा थोड़ा दूर जाने के लिए। अभी थोड़ा दूर गया मैं, अभी कोई भी माइक में अटैच नहीं किया कैमरे के साथ। आप देख सकते होंगे मेरे पास ना कोई वायर माइक है, ना कोई भी लेस माइक है। तो आप जो भी अभी ऑडियो सुन रहे हो वो कैमरा 200D Mark II का इनबिल्ड कैमरा से है, DSLR से है। तो मैं अभी कोशिश करूँगा फिर थोड़ा दूर जाने के लिए। सो गाइज, मैं अभी ऑलरेडी 10 to 15 meters आ गया DSLR से। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसे ऑडियो सुनाई दे रहा होगा। मैं ऑलरेडी थोड़ा दूर आ गया, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक माइक नहीं रहेगा, वायरलेस माइक हो या वायर माइक हो, तो आप कैमरे से कितना दूर से बात करोगे, तो आपका ऑडियो का क्वालिटी कितना ख़राब होता जा रहा है। तो इसके ज़्यादा पीछे अगर मैं चला जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी मेरा आवाज़ सुनाई देगा। तो मैं सामने आके बात करूँगा। सो गाइस, तो अभी हम जो भी ऑडियो सुनने वाले हैं वो डायरेक्टली होगा हमारा एक्सट्रीम एकोस्टिक वायरलेस माइक का जो भी मॉडल है। हम ऑलरेडी इसको अनबॉक्सिंग करने का टाइम में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो गाइस, अभी हम स्विच ऑन करेंगे टू द एक्सट्रीम एकोस्टिक वायरलेस माइक को। तो चलिए, अभी इसके बाद जो भी आवाज़ आप सुनोगे वो होगा वायरलेस माइक। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे मैं जो मेरा माइक को अटैच करके रखा हूँ, मेरा जो कलर के साथ, शर्ट के साथ। आप इसको हाथ में भी पकड़ के बोल सकते हैं, नहीं तो साथ में भी लगा के बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है इसको यहाँ से। तो मैं अभी कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे दूर जाने के लिए, और इसके बाद आप ही नोटिस कीजिए कि आवाज़ कैसा आ रहा है। तो बाहर में साइड में ही रोड है, कुछ व्हीकल्स वगैरह जाना आना करता है, तो उसका जो साउंड कैसा कैप्चर कर रहा है आप भी उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ अभी थोड़ा दूर, और इसके बाद मैं आपके साथ बात करूँगा। तो मुझे पता नहीं कि अभी कैसा सुनाई दे रहा होगा। मैं ऑलमोस्ट लाइक 10 meters या ऐसा कुछ दूरी में हूँ कैमरा से। कंपनी का जो क्लेम है, आप इसको 25 जो मीटर तक क्या कर सकते हो, आप इसका जो लेंथ बढ़ा सकते हो और दूर जाके बात कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा फिर दूर जाने के लिए। सो गाइज, अभी मैं 10 to 15 meters दूरी में हूँ कैमरा से। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसा अभी आवाज़ आ रहा है। आप सुन पा रहे होंगे कुछ जो नीचे रोड है, कुछ ट्रक वगैरह, बस वगैरह रनिंग करता है, तो उनका आवाज़ और बाहर का आवाज़ कैसे कैप्चर कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। तो मैं कोशिश करूँगा फिर पीछे जाने की। मैं अभी फिर से दूर आ गया और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा पिक्चर आपको, मेरा मतलब जो वीडियो है, अच्छा से आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप ही गेस कर सकते हो इसका जो आवाज़ कैसा है। तो अभी मैं फिर पीछे जा रहा हूँ। सो एक्चुअली मैं इतना दूर आ गया, अभी मेरा कैमरे का डिस्प्ले है, मुझे खुद ही दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं कैसा देख रहा हूँ वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं 15 to 20 या 20 to 25 meters की दूरी में हूँ कैमरा से, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, आप ही गेस कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूँगा और दूर जाने के लिए, और दूर जाने के लिए। सो गाइज, ऑलमोस्ट 25 meters तो मैं डेफिनेटली आ गया। तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ और मेरा जो आवाज़ कैसा आपको सुनाई दे रहा, आप ही नोटिस कर सकते हो। तो मैं धीरे धीरे पास आते जाऊँ। सो गाइज, ये था आज का वीडियो रिव्यू अबाउट एक्सट्रीम एकोस्टिक XA
WL303 का, तो डेफिनेटली मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसको, क्योंकि आप अगर कहाँ पे इंटरव्यू में जा रहे हो, कहाँ पे क्राउडेड प्लेस में अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो माइक मेरे हाथ है बहुत ही हैंडी है, बहुत ही छोटा सा है, आपको कुछ भी ये वायर का जो झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। आप इसको कहाँ पर भी बात कर सकते हो, आप यहाँ पर हाथ में भी लेके बात कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कलर में भी लगा सकते हो शर्ट के साथ साथ। अगर आपके पास दो पर्सन है और एक किसी के साथ आपको बात करना है तो भी आप क्या कर सकते हो, एक ही माइक को आप दोनों शेयर कर सकते हो, क्योंकि कंपनी रेकमेंड करता है गाइस इसका क्रिस्टल क्लियर वॉइस है बोल के। क्योंकि इसका जो डिवाइस, इसमें इनबिल्ट डिवाइस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि दूर में हूँ, यहाँ पे इसके अंदर एक माइक है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड एंड बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आपको ऑडियो का दे ही देगा। तो गाइस अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ भी एक वायरलेस माइक लेने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अलग अलग जो डिवाइस है इससे भी और थोड़ा हैंडी एंड छोटा आता है, लेकिन वो क्या होता है कि जो iOS, इसका मतलब है सिर्फ कुछ आईफोन के डिवाइस में कनेक्ट हो सकता है, और हम हर किसी के पास जो है आईफोन नहीं होता है, DSLR नहीं तो कैमरा नहीं तो, अगर GoPro एक्शन कैमरा में अगर आपको यूज़ करना है तो मुझे लगता है कि ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको, आपका बजट में अराउंड 3300 के अंदर ये आपको आ जाएगा। सो गाइस इसका जो बाइंग लिंक है अमेजोन से डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और एल्स आप डायरेक्टली भी इसका जो मॉडल का नंबर है डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसका जो बॉक्स है, आप ऑलरेडी देखे होंगे जब मैं इसको अनबॉक्सिंग किया, और मैंने भी ऑलरेडी मेंशन किया कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, मॉडल का नाम क्या है। सो गाइस मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे कुछ हेल्पफुल कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलेंगे बहुत ही जल्दी ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।